आज की क्लास में हम आपके साथ बात करेंगे नेस्टेड इफ के बारे में और एल्स इफ के बारे में। क्यों जरूरत पड़ती है नेस्टेड इफ की, चलिए बताता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने लास्ट टाइम बताया था कि अगर 50 to 80 है तो मुझे 500 का कमीशन देना है। तो इसके लिए हमने लास्ट टाइम क्या यूज किया था, एक बार दोबारा यूज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट दिया और यहाँ पे /1 ब्रैकेट ओपन क्लोज। यहाँ पे देखेंगे, लूप देते हैं कि 4i इक्वल टू चले 2 टू 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 9 और नेक्स्ट आई। इसके बाद हम यहाँ पे वेरिएबल डिजाइन किए थे, टिम आर एज ए या एस कर लीजिए, एस एज ए लॉन्ग। और यहां पे हमने एस इक्वल टू सेल्स लिया था i,1 किए थे डॉट वैल। हमने क्या लगाया था कि इफ एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 और हमने दिया था एंड एस इज लेस देन इक्वल टू 80, देन हमने बोला था कि सेल्स i,2 डॉट वैल्यू इक्वल टू 500 और यहां पे एंड इफ कर दिया था। यही किया था ना हमने। लेकिन सपोज कि मेरी कंडीशन थोड़ी सी चेंज हुई है, मैं यहां पे बोलता हूं कि अगर लेस देन 50 हुआ तो उनको 100 देना है और ग्रेटर देन 80 हुआ तो 200 देना है। मतलब कि मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस विद मल्टीपल रिजल्ट्स है। अगर आपको सिंगल कंडीशन विद सिंगल रिजल्ट हो तो चलो ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल कंडीशन विद मल्टीपल रिजल्ट्स है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, तो ऐसे केस में हम नॉर्मल इफ नहीं, हम नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल करेंगे नेस्टेड इफ, कैसे चलिए बताते हैं। तो बाकी कंडीशंस बिल्कुल सेम रहेगा। यहां पे देंगे इफ एस इज ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 दैट। अब यहां पे एक और इफ लगाएंगे कि इफ एस इज लेस देन इक्वल टू 80 दैन। यहां पे लिख, अब यहां पे हम एक काम करते हैं, वेरिएबल्स ले लेते हैं। आर एज ए रिंग, आर एज ए लॉन्ग कर देता हूं लॉन्ग। और यहां पर करते हैं आर इक्वल टू 500 और यहां पे एल्स देंगे, एल्स आर इक्वल टू 50 से बड़ा है बट 80 से छोटा नहीं है, उसको 200 देना है तो r100 200। और यहां पे हम कर देंगे एंड इफ, और फिर यहां पे अगेन देंगे हम एल्स, एल्स में हम बोलेंगे आर इक्वल टू 100 और फिर यहां देंगे एंड इफ। जितना इफ लगेगा उतना एंड लगेगा। तो एक पहले क्या करेगा कि पहले चेक करेगा, अगर ग्रेटर देन 50 हुआ तभी इस इफ को वर्क करेगा, नहीं तो सीधे एल्स जो है 100 को शो कर देगा। तो यहां पे सेल्स, सेल्स में i,2 डॉट वैल्यू इक्वल टू आप, इसको रन कीजिए, रिजल्ट आपके सामने। तो बताइए इस कोड में कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? सही है ना। इसी तरह से इसके अंदर तीसरा, इसके अंदर चौथा, उसके अंदर पांचवा, एक अपने अपने हिसाब से लगा सकते हैं।
अब यहां पे अगर स्लैब सिस्टम हुआ तो जैसे 0 to 40 हो तो 500, 41 to 80 हो तो 1000, 81 to 100 हो 2000 एंड ग्रेटर देन 100 हो तो यहाँ पे 5000। तब कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी कोड जो मैंने लिखा है बिल्कुल सेम कोड रहेगा, बस इसमें इफ का चेंज हो जाएगा। देखिए इफ जो हमने लगाया है वो चेंज हो गया। तो यहां पे क्या लगेगा? यहां पे लगेगा एल से, इफ एस इज लेस देन इक्वल टू 40 है देन आर इक्वल टू होना चाहिए 500। फिर यहां पे लगाएंगे एल्स इफ, क्या लगाएंगे? एल्स इफ आर एस एस इज लेस देन इक्वल टू 80 देन आर इक्वल टू 1000। अगेन हम यहां पे एल्स इफ देंगे और बोलेंगे एस अगर लेस देन इक्वल टू 100 हुआ तो क्या आना चाहिए? आर इक्वल टू 2000। अगेन हम एल्स इफ देंगे और एस इज ग्रेटर देन 100 देन हमने बोला आर इक्वल टू 5000। यहां पे 5000 था, 500 दिखा गया। ठीक है, और फिर यहां पे एंड इफ। तो इस तरह से स्लैब भी टू नहीं 3 होना चाहिए ना यहाँ पे। उसी तरह से यहां पे आप देखिए स्लैब इंसर्ट ले सकते हैं। तो एल्स इफ जैसे कि एक इफ चले कंडीशन फॉल्स हो, यहां पे क्या हुआ कि कंडीशन चलेगा, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो रिजल्ट दे देगा, नीचे के चीजों को नहीं देखे। मतलब कि दूसरा एल्स इफ तभी वर्क करता है जब आपका कंडीशन, पहली कंडीशन फॉल्स होती है तो दूसरी कंडीशन एल्स पे चलता है। पहली कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होता है? दूसरा कंडीशन एल्स पे चलता है। क्लियर है? इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, केस के जरिए। एक हमारे पास केस भी होता है। देखिए सब कुछ सेम रहेगा, यहां पे लिखना होगा सिलेक्ट केस विथ एस, यहां लिखेंगे केस लेस देन इक्वल टू 40, या फिर हम यहां लिख सकते हैं 0 to 40। तो यहां आर इक्वल टू आ जाएगा 500, देन अगेन केस हमने बोला 41 to 80, तो आर इक्वल टू होना चाहिए 1000, देन केस 81 to 100, देन आर इक्वल टू होना चाहिए 2000, देन केस ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन कर दीजिए 100, तो आर इक्वल टू 5000, और यहां पे एंड सिलेक्ट। ठीक है, तो इसका यूज इस तरह के स्लैब्स में आप करेंगे तो आपको बार बार इफ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें ऐसे भी लगा सकते हैं कि केस अगर 10 हुआ, 20 हुआ, 80 हुआ, 40 हुआ, इस तरह से, समझे? इसे बार बार और लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन? किसी और को कोई कंफ्यूजन? क्या देखिए केस केस
केस में क्या होता है, जब केस लगा, केस भी कंडीशन की तरह काम करता है, लेकिन कुछ इस तरह से काम करता है जो आपके सामने दिखाया मैंने। इसी चीज को आप यहाँ एल्सिफ के थ्रू लगा सकते हैं। अब आपको एल्सिफ अच्छा लग रहा है तो एल्सिफ यूज कीजिए, या फिर केस यूज कीजिए। क्या होता है जब इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड और बहुत सारा कंडीशंस होते हैं ना, तो वहां पे इफ थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कि कई सारे इफ एल्स एंड देन वगैरह लगाना पड़ जाता है। जैसे इसी देखिए ना कि यहाँ पे मुझे लगाया कि इसमें से कोई भी हो तो 800 आया। अब इसी इफ में क्या करना पड़ता, इफ में करना पड़ता है कि एस इक्वल टू अगर 10 है देन और एस इक्वल टू 20, समझ रहे ना सर, फिर और हाँ, तो यहां देने की जरूरत नहीं, कोमा कर तो डाल दीजिए अपना। तो अभी हमने आज चार, एक तो हमारा पुराना था जिसमें हमने एंड का इस्तेमाल किया, एंड और इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन मैंने बताया आपको, यहाँ पे आप नेस्टेड इफ, एक इफ के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमने बात की स्लैब इंसेंटिव से ग्रेडिंग भी, इसमें ग्रेड होता है ABCD, वो दे सकते हैं, इंसेंटिव दे सकते हैं, ठीक है। और तीसरा आपके सामने ये रहा, इसमें हमने केस के बारे में समझाया। तो यहाँ पे आपका इफ कंडीशंस का चैप्टर होता है खत्म, ठीक है। अब आप लोग बताइए कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है, और दिक्कत पे अगर हो तो मैं कुछ और बताऊं आपको। इफ पे किसी को कोई दिक्कत है? क्या हाँ जी, ये दिखाइए कोड, आप किसी ने तो भेजा ही नहीं, मुझे भेजते तो पता चलता ना कि कहाँ गलती ये कर रहे हैं। हाँ बनाया था, व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ। और आप लोगों ने ट्राई किया, बाकी लोगों ने? हाँ तो आपने एंड विथ का यूज किया, जैसे वेरिएबल ही बना, यहाँ पे आपने वेरिएबल बनाया तो एंड, यहाँ पे एंड विथ क्यों लगाया? हाँ तो फिर वेरिएबल का क्या यूज है? नहीं ये नहीं है, ठीक नहीं है सर, नहीं आपने गलत किया। देखिए वो कैसे बनेगा बताता हूँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे आईडी है और यहाँ पे नेम, राइट है ना। अब नेम में मैंने यहाँ पे कुछ नेम दे दिया, यहाँ लिस्ट दे दिया, मुझे यहाँ पे सारे आईडी देने, राइट। चलिए तो यहां पे मुझे क्या करना है, सब्जेक्ट टू अंडरस्कोर वन ब्रैकेट ओपन क्लोज। यहां पे सबसे पहले लूप लगेगा कि लूप आई इक्वल टू चले टू टू। अब लास्ट तक चलने के लिए मैं क्या करूंगा, लूंगा रेंज ए 65,000, ए नहीं होगा बी है ना, बी के लिए चलेंगे ना, बी 65,000 डॉट एंड एक्सलेस आप और डॉट रो, ठीक है। चलिए और यहां पे कर देते नेक्स्ट। हाई मैं सीट भी देने की जरूरत नहीं हो कि मैं जो माइक्रो रन होगा इसी सीट पे, मैं इसी पे सीट पे एक्टिव पे अगर रन करूंगा तो सीट वगैरह देने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब मुझे यहां पे क्या करना है,
एक वेरिएबल लेना है कि टिम आईडी एज ए लॉन्ग, और फिर यहां पे आईडी इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स, और यहां पे हम ए बाई ए ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे कंडीशन देना है कि इफ सेल सेल आई रो एंड टू कॉलन डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, देन क्या करें, सेल्स आई कॉमा टू वन हो सॉरी वन वन डॉट वैल्यू इक्वल टू आई डी प्लस वन, और यहां पे एंड एफ, सिंपल सा। अब देखिए कैसे वर्क करेगा, एफिट करके चलता हूं मैं, एफिट किया तो यहां पे आई क्या टू है मैक्स में। अब यहां पे एक नहीं देखते हैं वर्कशीट फंक्शन डॉट, अच्छा हाँ यहाँ पर रेंज देना जरूरी था ना मुझे, राइट। और आईडी क्या है 0 है, चेक करेगा इसकी वैल्यू ग्रेटर देन है तो ये क्या करेगा 0 प्लस 1, देखिए 1 दे दिया, एंड 2 3 4 5 6 7 8 9 ये कंटिन्यू चलता जाएगा। अब क्वेश्चन है कि बीच में अगर ब्लैंक हुआ तो एक अब करते हैं, मैं उदय को ब्लैंक कर देता हूं, ठीक है। समझे, तो मुझे मैक्स हर बार लेना है, आपने क्या किया है मैक्स को लूप से बाहर निकाल दिया है। आईडी प्लस वन कीजिएगा तो वही होगा, पुरानी आईडी को प्लस वन करेगा, आईडी प्लस वन होते जाएगा, एक पे एक में प्लस टू 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 टू, सब पे टू टू जाए, सब पे वन 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 आया होगा, हाँ वही है ना। कोड में देखिए कुछ इसमें मैंने क्या किया है कि लूप लगाया है सबसे पहले, और हमने आई इसको मैक्स को, हमने मैक्स को क्या किया है लूप के अंदर हर बार मैक्सिमम वैल्यू दिया है। आप जो आई डी प्लस वन करके कंटिन्यू कर रहे हैं ना, वो मैंने नहीं किया, मैं हर बार मैक्सिमम वैल्यू ले रहा हूं, ठीक है। फिर मैं टाइप वहीं पे कर रहा हूं जहां जिसके सामने वैल्यू है, ब्लैंक नहीं है, समझ गए। मैं टाइप डेटा टाइप वहीं पे कर रहा हूं उसके सामने वैल्यू है। ओके, अब एक और कल एक और आपके सामने रख रहा हूं प्रोजेक्ट जो करके लाना है, इनकम टैक्स भरते हैं ना आप लोग,